अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रोमानिया के वर्क वीज़ा के बारे में बात करेंगे, उसके प्रोसेसिंग टाइम के बारे में बात करेंगे, इंटरव्यू के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, और जो रोमानिया का फ्री वर्क वीज़ा है इसकी रियलिटी के बारे में बात करें, क्या वाकई फ्री में वर्क वीज़ा मिलता है या नहीं मिलता। तो कंप्लीट वीडियो होगी, बेसिक सी वीडियो होगी, आप लोग देखें, काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा इसमें। बातें करेंगे हम, कुछ डिस्कस करेंगे रोमानिया के वर्क वीज़ा के हवाले से, क्या सिचुएशन चल रही है, एम्बेसी के क्या हालात है, तो इस तरह से हम थोड़ा सा ना बात करेंगे इसके ऊपर। तो सबसे पहले देखें जी, रोमानिया के वर्क वीज़ा का जो प्रोसेसिंग टाइम है इसके हवाले से हम बात करते हैं। देखें, रोमानिया का जो वर्क वीज़ा है इसका प्रोसेसिंग टाइम आप लोग लगा सकते हैं कि अब देखें, आप किसी एजेंट से काम करवा रहे हैं, डन बेस पे आपने वीज़ा लिया है, ठीक है, आपने मान लो 15 लाख रुपए का वीज़ा लिया, अब वो आप लोगों का केस फाइल करता है, आप लोगों ने उसे 1 लाख 2 लाख 1.5 लाख रुपए एडवांस दे दिया, स्टाम आप लोगों का हो गया, अब वो डायरेक्टली जो भी अपनी कंपनी है वहाँ पर आपका केस फाइल करवाता है, ठीक है, एम्प्लॉयर के साथ बात करके, भाई ये बंदा है इसका वीज़ा अप्लाई करना है, अब उसके पास ऑलरेडी भी बंदे होंगे तो वो आप लोगों का केस, सारी चीज़ें वहाँ पर सबमिट करवाएगा रोमानियन इमिग्रेशन में, वहाँ से वीज़ा निकलने में बास टाइम, देखें दोस्तों वीज़ा बहुत जल्दी निकल आता है, ठीक है, लेकिन बास टाइम वीज़ा टाइम लेता है। तो इसका मैं आप लोगों को ये नहीं कह सकता कोई एक प्रोसेसिंग टाइम है, ठीक है, वो टाइम लगा ले, वहां से वीजा निकलता है 1 महीने में, 10 दिन में, 15 दिन में, ये उन पर डिपेंड करता है। उसके बाद जी वर्क परमिट आप लोगों के पास आ गया, फिर आप लोगों ने अपॉइंटमेंट ले ली, ठीक है, अपॉइंटमेंट लेने के जो प्रोसेसिंग टाइम है वो अलग से होगा, स्लॉट खाली है नहीं है, एम्बेसी में रश है, तो इस तरह से मतलब के प्रोसेसिंग टाइम, इसके दो तीन तरह के प्रोसेसिंग टाइम होते हैं, ठीक है, एक तो आपके पैसे एजेंट लेके जो वहां अप्लाई करवाता है उसका अलग से प्रोसेसिंग टाइम होता है, फिर वहां पर जो बंदा है एम्प्लॉयर है वो आप लोगों का जो केस सबमिट कर रहे हैं इमिग्रेशन में उसका अपना प्रोसेसिंग टाइम होगा, तो तकरीबन 6 महीने का प्रोसेसिंग टाइम होता है। जो लोग मतलब मुनासिब पैसों में वीज़ा दे रहे हैं वो इससे ऊपर भी टाइम ले लेते हैं, जो ज़्यादा पैसे ले रहे हैं, ठीक है, तो उनका 2 से 3 मंथ में भी हो जाता है वीज़ा प्रोसेस। तो इस तरह से इसका एक प्रोसेसिंग टाइम नहीं है। अब बात करते हैं जी, ये जो फ्री वीज़ा होता है इसकी क्या रियलिटी होती है, क्या ये सच में ही मिलता है, जॉब अप्लाई करने का भी मैं आप लोगों को तरीका बताऊंगा किस तरह से फ्री में करनी है। देखिए फ्रेंड्स, अब कुछ जो वहाँ पर एम्प्लॉयर होते हैं ना, जिनकी कंपनीज होती है, जिनको वर्कर्स चाहिए होते हैं, जो पाकिस्तान में एजेंट होते हैं, हम किसी को गलत नहीं कह रहे, वो ऐसे बंदे भेज देते हैं वहाँ पर। अब जैसे वहाँ पर वेल्डर चाहिए तो पाकिस्तानी एजेंट किसी ऐसे बंदे को भेज देगा जिसको वेल्डिंग का काम नहीं आता या थोड़ा कम आता है, तो वहाँ के जो लोग हैं कोशिश करते हैं कि डायरेक्टली हम जो है एम्प्लॉय के साथ कनेक्ट हो जाएं, ठीक है, डायरेक्टली मतलब कि आप जिस तरह से अगर आप कोई वेल्डर वीडियो देख रहे हो, वो डायरेक्टली वेल्डिंग कंपनी में वहाँ पर डायरेक्ट जॉब अप्लाई करता है, तो उसके चांसेस होते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि यार ये बंदा मतलब कि अपनी फील्ड से माहिर है, इसका इतना एक्सपीरियंस है, तो इसे अगर हम लोग बुलाते हैं तो हमें फ़ायदा होगा क्योंकि इसे काम आता है। जो मिडल मैन होता है ना, वो जो दरमियान वाला बंदा होता है एजेंट, वो किसी भी बंदे को भेज देता है पैसे लेके कि आप रोमानिया चले जाएं, इस कंपनी में जॉब करें, ये काम है, काम नहीं भी आता तो थोड़ा बहुत चला लेते हैं, लेकिन ये फायदा जो होता है एजेंट को होता है, जो कंपनी होती है उसे नहीं होता। कंपनी का फायदा होता है जब वो डायरेक्टली जो है बंदे के साथ कम्युनिकेट करें, डायरेक्टली बंदे को रीच आउट करें, अपनी कंपनी में बुलाएं, तो उनको तब फायदा होता है, क्योंकि जब कंपनी भी किसी के थ्रू बंदा मंगवाती है उनको पैसे पे करने पड़ते हैं, ठीक है, कंपनी को जाहिर बात है कुछ कमीशन देना पड़ता है या कुछ बेनिफिट देना पड़ता है अगले बंदे को, तो ये भी चीज़ें होती हैं। ज़्यादातर जो एम्प्लॉयर होते हैं वो इस तरह से कोशिश करते हैं कि हम खुद ही बंदे को बुला लें, ठीक है, ये जो आपके माइंड में था कि ये फ्री वाला कोई फ्रॉड होता है या चक्कर होता है, इस तरह से नहीं होता, ठीक है, ये इसका प्रोसेस होता है। उसके बाद अब बात करते हैं, इसको अप्लाई करने के लिए आपको क्या चाहिए, प्रोफेशनल सीवी कवर लेटर चाहिए होगा, जो कि आप लोग खुद भी बना सकते हैं, लाजमी नहीं आप लोग हमारी सर्विस ले या हमसे प्रोफेशनल बनाए, अगर तो आप खुद बना सकते हैं तो बनाए, अगर नहीं बनाना आता तो फिर आप लोग हमारी सर्विस ले सकते हैं। तो दोस्तों रिक्वायरमेंट्स के ऊपर नज़र डालते हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स होती है इस वीज़ा को अप्लाई करने की। देखें, इसमें सबसे पहले आप लोगों का आईडी कार्ड, पासपोर्ट, आपकी तस्वीरें, मेडिकल जो है ना आपका नहीं होता इस वीज़ा के लिए, आपकी FRC हो गई, उसके बाद आप लोगों का पुलिस क्लीनर सर्टिफिकेट हो गया, ये जो होती है ना बहुत ज़्यादा मेन चीज़ें होती है, पोलियो कार्ड हो गया, कोरोना कार्ड हो गया, ये चीज़ें जो है ना ये लगती हैं, ठीक है, ये ज़रूरी चीज़ें होती हैं इस वीज़ा के लिए, ठीक है, जितने ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स होंगे उतना आप लोगों का फ़ायदा होता है। फिर उसके बाद आपकी इंश्योरेंस वगैरह होती है, ठीक है, ये इसके रिक्वायरमेंट्स का प्रोसेस होता है। तो नेक्स्ट चीज़ हम नज़र डालते हैं, जॉब कौन सी यहाँ पर अवेलेबल। देखिए, जॉब्स यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड होती हैं जॉब, जैसे कंस्ट्रक्शन लेबर हो गया, जैसे प्लम्बर हो गया, वेल्डर, काफ़ी ज़्यादा वेल्डरों की जॉब यहाँ पर होती हैं, इलेक्ट्रिशियन हो गए, उसके बाद वेटर हो गया, वेटरस हो गई, वेयर हाउस वर्कर। असल में देखें, वेयर हाउस वर्कर की जॉब क्यों ज़्यादा होती है, मैं आप लोगों को बताता हूँ, कोई भी कंपनी होती है उसका एक वेयर हाउस होता है, ठीक है,
जहाँ पर वो अपनी चीज़ें स्टोर करती है, जहाँ पर वो अपनी चीज़ें रखती है, तो वहाँ पर वर्कर की ज़रूरत होती है। जैसे कुछ सामान आया गाड़ी से, वो अनलोड कर लिया, ठीक है, और वो अपनी जगहों पे लगा दिया, या कुछ सामान है उसकी सेटिंग करनी है, उसको लिखना है भाई ये इस रैक में रखना है, इस तरह से वेयर हाउस वर्कर की जॉब होती है। क्लीनर की बात करें, सफाई तो हर जगह में होती है, सफाई के बंदों की भी यहाँ पर ज़रूरत होती है, ऑफिस बॉय हो गया, उसके बाद कोई ग्राफिक डिज़ाइनर है, इस टाइप की भी काफ़ी ज़्यादा जॉब्स होती हैं, ठीक है। यहाँ पर तकरीबन हर कैटेगरी में आप लोगों को जॉब्स देखने को मिलेंगी, होटल से रिलेटेड जैसे मैनेजर हो गया, तो इस टाइप की काफ़ी जॉब्स आप लोगों को रोमानिया में देखने को मिल जाती है, जिनको आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का जो तरीका है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। अब देखें, जो लोग विजिट वीज़ा नहीं अप्लाई कर सकते या बैंक स्टेटमेंट नहीं है, तो वो इस तरफ जा सकते हैं, क्योंकि विजिट वीज़ा के लिए बैंक स्टेटमेंट चाहिए, डॉक्यूमेंट्स पूरे करने हैं आप लोगों ने, उसके बाद अप्लाई करेंगे। जिन लोगों के पास बैंक स्टेटमेंट कम है, वो बेशक इस फ्री वाले मेथड को अवेल किया करें। देखिए, अप्लाई करने से तो कोई नहीं जाता, अगर आप जो काम कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी अगर आप काम कर रहे हैं, ठीक है, आप स्टडी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, साथ साथ अगर आपने सीवी का वो लेटर बनवाया हुआ है, आपने सर्विस ली, अप्लाई करवाया हुआ है हमसे, तो उससे ये होगा कभी ना कभी अगर आप लोगों को रिप्लाई आ जाता है, ठीक है, तो उसका आपको फ़ायदा ही होगा, नुकसान तो नहीं होगा, ठीक है। तो ये रिस्क तो नहीं होगा, इसमें आपको फ़ायदा ही होता है, एक तो आप लोग सीख लेते हैं, ठीक है, समझ लेते हैं, सीवी का वो लेटर भी मिल जाता है, इन फ्यूचर आप लोगों को कहीं और भी ज़रूरत पड़ता है सीवी का वो लेटर, तो आप लोग उससे फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी इन्वेस्टमेंट ज़ाया नहीं जाती। उसके बाद रोमानिया से लोग आगे मूव भी कर जाते हैं, रोमानिया में कुछ टाइम नहीं रहते, लोगों को पसंद नहीं होता कि यार हम रोमानिया रहे, इटली, जर्मनी, फ्रांस, इस तरह की जगहों में। अब तो रोमानिया वैसे भी शेंजन जोन में आ गया, बल्गारिया और रोमानिया, ठीक है, तो ये भी अब फ़ायदा है। अब जाहिर बात है, रोमानिया का वीज़ा अगर बात करें, पहले 15 लाख का था, तो अब उसका रेट भी सेम हो जाएगा, 20, 25, 30 लाख रुपया, क्योंकि शेंजन में आ गया है। जो भी लोग वीज़ा सेल करते हैं, एजेंट जितने भी, देखें कोई भी काम करता है वो ठीक कर रहा है, बेशक वो 50 लाख का दे, किसी को हम गलत नहीं कह सकते, क्योंकि हर बंदे का अपना रेट है, अपना काम करने का तरीका है, तो आप पे डिपेंड करता है आप किससे वीज़ा लेते हैं, या आपके बजट पे डिपेंड करता है, ठीक है, आप लोग फ्री वाला अवेल करना चाहते हैं या एक्सपेंसिव वाला करना चाहते हैं, तो ये सारा आपके ऊपर होता है, ठीक है। तो बेसिक सी वीडियो थी, उम्मीद है कोई चीज़ मिस नहीं। हाँ, इंटरव्यू की बात कर लेते हैं। देखें इंटरव्यू, देखें एम्बेसी में जब आप लोग जाते हैं, तो वहां पर आप लोग एक बंदे के आगे जाते हैं, पेश होते हैं। अब देखिए, सबसे पहले वो आप लोगों से क्या जानना चाहेगा कि आपकी एज कितनी है, ठीक है, वो आप लोगों से जानना चाहेगा एज कितनी है। उसके बाद वो आप लोगों से पूछेगा ये आप काम कितने टाइम से कर रहे हैं, या जिस काम में आप जा रहे हैं आपका कोई तजुर्बा है, आपका नाम क्या है, ये बेसिक चीजें होती हैं इंग्लिश में वो आप लोगों से करेगा, जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर आप किसी चीज की नहीं समझ आ रही, आप उसे उर्दू में लिख के गूगल ट्रांसलेटर से ट्रांसलेट करके भी देख सकते हैं इसका क्या मतलब है। थोड़ी बहुत आप लोग बेसिक इंग्लिश सीख भी सकते हैं, यूट्यूब से सीख सकते हैं, थोड़ा बहुत आप लोगों को पता होना चाहिए। इंटरव्यू के बारे में जो मेन चीजें हैं वो ये होती हैं कि आप जिस कंपनी में जा रहे हैं उसका नाम क्या है, वो किस जगह पे है, आपकी सैलरी कितनी है, कितने घंटे आप काम करेंगे, आप रोमानिया ही क्यों जाना चाहते हैं। तो फिर आप लोग आगे से रिप्लाई दे सकते हैं कि भाई रोमानिया इसलिए जाना चाह रहा हूँ, यूरोप कंट्री है, वहां पर कमाई अच्छी है, और इस तरह से वहां पर मैं, मतलब कि इस तरह से आप अच्छी सी बात कोई भी अपने जहन से बना सकते हैं, तो वो अच्छी साबित होगी। देखिए, अगर आप लोगों ने 3-4 सवालों का जवाब सही दे दिया ना, 3-4 सवालों का जवाब आपने सही दे दिया, जैसे कि मतलब कि हम रोमानिया जाना चाह रहे हैं, वो आपसे उसे सवाल करेगा क्यों रोमानिया जाना चाह रहे हैं, या मतलब कि आपने रोमानिया क्यों सिलेक्ट किया, तो आप कहें जी रोमानिया अच्छा कंट्री है और इसका वर्क वीजा अपॉर्चुनिटी मुझे मिल रही थी, तो मैंने कहा जरूर अवेल करूँ और इस कंट्री में जाके मतलब कि मैं काम करूँ, जिस कंपनी में जाऊँगा उसे फायदा दूंगा और अपना भी फायदा करूंगा। तो इस तरह से आप लोग कह सकते हैं, कोई इतना मुश्किल इंटरव्यू नहीं होता। आप लोगों से पूछेगा कंपनी कहाँ पर है, कितनी सैलरी है, ये जो चीजें अगर आप लोगों ने बता दी, ठीक है, हो सकता है वो आप लोगों से पूछे कि आपकी तालीम कितनी है, या जो काम कर रहे हैं कितने टाइम से कर रहे हैं, तो कोई आइट्स या कोई इस तरह की चीज नहीं चाहिए होती। तो हो सकता है थोड़ी सी वीडियो ये लंबी हो, क्योंकि मैंने सोचा थोड़ा सा एक्सप्लोर करूँ रोमानिया के बारे में, आप लोगों को जरा डीपली बताऊँ रोमानिया की जो मेन चीजें हैं, ठीक है। मेन चीज एक है कि वीजा लेते हुए आप लोगों ने ख्याल करना है जिससे आप लोग लें, और दूसरी चीज आप लोगों ने इंटरव्यू की तैयारी ठीक से करनी है, ठीक है, जबरदस्ती इंटरव्यू की तैयारी करनी है, तो फिर आपका वीजा के चांस हो सकते हैं। अगर आप लोगों ने फ्री में अप्लाई करना हो, तो मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ कंप्यूटर की स्क्रीन पर, और आप लोगों को बताता हूँ किस तरह से आप लोग बगैर लाखों रुपए दिए वीजा अप्लाई कर सकते हैं। अब देखें, आपके सामने मैंने वेबसाइट ओपन की हुई है, यहाँ पर देखें वेटर्स की जॉब आ रही है, ठीक है, काफी डिश वॉशर की जॉब आ रही है, तो इनमें से किसी भी एक जॉब को आप लोग सिलेक्ट कर सकते हैं और उसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हम डिश वॉशर की जॉब में जाते हैं, ठीक है,
अब ये रोमानियन लैंग्वेज में आ रहा है, यहाँ से आप लोगों ने चेंज कर लेना है, इंग्लिश में से कर लेना है, ठीक है। देख अप्लाई ऑन दी कंपनी साइट पे जाके आप लोगों ने कर लेना है, ठीक है। ये देखें सारी चीज़ें लिखी हुई हैं जी, ये काम है, इतने घंटे करना है और जो भी सारी चीज़ें, यहाँ से आप लोगों ने जाना है जैसे मैं आप लोगों को बताता रहता हूँ, ठीक है। अपनी ईमेल आईडी पासवर्ड गूगल से कंटिन्यू करके आप लोग अप्लाई कर लें सीवी का लेटर अटैच। पसंद आइए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है लेकिन मैंने कहा जरा बड़ी वीडियो बनाओ, अच्छी वीडियो बनाओ ताकि जो लोग रोमानिया जाना चाहते हैं उन लोगों के लिए वीडियो इन्फॉर्मेटिव हो। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूले। मेरा नाम है श्याम अली, अस्सलाम वालेकुम।